अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पर होम रो, टॉप रो और बॉटम रो के बारे में जाना कि कौन सा बटन में कौन सा हिंदी का लेटर मौजूद होता है और किस पर कौन सा फिंगर ले जाया जाता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप बिना देखे कंप्यूटर पर टाइप नहीं कर सकते। और आज इस वीडियो में हम लोग नंबर वाले रो के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदी टाइपिंग में इन तीन रो के अलावा हिंदी का और भी लेटर मौजूद होता है इस नंबर वाले रो में, और इसके अलावे कुछ शॉर्टकट की के जरिए भी लाया जाता है। तो आज इस हम लोग नंबर वाले रो के बारे में जानेंगे कि हिंदी का कौन सा लेटर मौजूद है और कौन से बटन पर फिंगर ले जाया जाता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर और राइट हैंड का ये चार फिंगर टाइपिंग के दौरान हम लोग यूज करते हैं, और इसके अलावा स्पेस देने के लिए हम लोग थंब का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात रहा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस नंबर वाले रो में आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 से लेके 0 तक है, और ये वाला नंबर वाले रो से ना आप हिंदी टाइपिंग में भी नंबर ही टाइप करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग में भी नंबर टाइप होता है और हिंदी टाइपिंग में भी नंबर ही टाइप होता है। एक्चुअल में शिफ्ट के साथ उसमें हिंदी का कुछ लेटर आपको मिलेगा। तो जैसे आप ये पहले समझिए कि 1 से लेके 0 तक है तो ये टोटल डिजिट है आपके पास 10, ठीक है, 10 है और जिसमें फिंगर आपका 8। तो करना क्या है ना कि एक एक फिंगर, जैसे ये सबसे पहला जो लिटिल फिंगर है इसको आप 1 पर लेके जाए तो 1 टाइप होगा, दूसरा फिंगर जो रिंग फिंगर है इसको 2 पर लेके जाए तो 2 टाइप होगा, तीसरा फिंगर जो मिडिल फिंगर इसको 3 पर लेके जाए तो 3 टाइप होगा, और चौथा फिंगर जो इंडेक्स फिंगर ये 4 पर लेके जाए तो 4 टाइप होगा, और इसी से जो है आप इंडेक्स फिंगर से ही 5 टाइप करें। यानी कहने का मतलब 10 है तो 5 आपका लेफ्ट हैंड से, 5 आपका राइट हैंड से। तो क्या क्या हो गया, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी अगर आप बिना देखे करना चाहेंगे तो आपको ये समझना होगा कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसी में आपका 5 है। ठीक है, इजी है। और इसके अलावा जब राइट साइड से आप टाइप करेंगे तो इधर से आपका जो है इसमें 0, इसमें 9, 8, 7 और इसी से होगा आपका 6। यानी ये आप 0 पर लेके जाएंगे, दूसरा फिंगर 9 पर, तीसरा नंबर फिंगर जो मिडिल फिंगर है वो 8 पर जाएगा, चौथा जो इंडेक्स है वो आपका 7 पे और चौथा फिंगर है आपका 6 पर। इन इधर से 0 9 8 7 6, या 0 9 8 7 6, 0 9 8 7 6, और इधर से क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो था आपका नंबर कैसे टाइप करते हैं। एक्चुअल में जब आप मंगल फॉन्ट पर आएंगे तो मंगल फॉन्ट पर भी ये सभी लेटर में आपको नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो अभी आप सीखे कि नंबर कैसे टाइप करते हैं, चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो चाहे हिंदी टाइपिंग हो, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कुर्ती देव फॉन्ट पर भी आपका जो है हिंदी का कुछ लेटर मौजूद होता है और मंगल फॉन्ट पर भी हिंदी का कुछ लेटर मौजूद होता है, और तत्काल हम लोग मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पर टाइपिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही क्या होगा कि यहां से 1 से लेके 0 तक में आपका नंबर ही टाइप होगा, और इसके बाद आप ये देख रहे होंगे डैश, ठीक है, ये जब आप टाइप करते हैं तो इसमें आपको डैश ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कभी अगर लिखना होता है माता पिता तो बीच में आप डैश देते हैं ना उसके लिए, या पति पत्नी लिखते हैं उसके लिए डैश देना होगा, तो शिफ्ट 0 के बगल में जो लेटर है उसको आप प्रेस करें, ये नॉर्मली ऐसे प्रेस करने से आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इक्वल टू है, इक्वल टू जब आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा री, उसमें क्या मिलेगा आपको री। री क्या होता है, जैसे कि आप कृषि लिखेंगे तो कृषि लिखने के लिए आप क लिखने के लिए, आपको पता है कैसे क होता है, तो क लिखने के बाद आप जैसे इक्वल टू टाइप करेंगे तो इसमें आपको क के नीचे र लग जाएगा जिससे आप क्री हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है एक ये जो ये बैक स्लैश बटन है, ये बटन एक्चुअल में बहुत सारे कीबोर्ड में बैक स्पेस के बगल में होता है, तो ये जो बैक स्लैश है बैक स्पेस के बगल में होता है, तो बैक स्लैश में आपको मिल जाएगा
जैसे आपका आकार की मात्रा होता है ना, आकार की मात्रा पर जो चांद लगा होता है वो लेटर मिलेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या मिलेगा, आकार की मात्रा पर चांद लगा हुआ, तो इसमें क्या हुआ, डैश हो गया। इसमें इक्वल टू में आपका री, जिसमें कि कृषि लिखना है, कृति लिखना है, ठीक है, उसके लिए। इसके अलावा बैक स्लैश में आपको मिलेगा आकार की मात्रा पर चांद। तो ये तो था आपका जो है ऐसे ही, ठीक है। और अब बात रहा कि अब इन तीन पर फिंगर कौन सा जाएगा, तो इस यही तीनों फिंगर से आप इस ये पर, इस पर भी लेके जाएंगे, इस पर भी लेके जाएंगे, और यहाँ तो बगल में तो ये टाइप होगा ही। एक्चुअल में ये जो लिटिल फिंगर है ना, ये बैक स्पेस मिटाने के लिए भी इसी फिंगर को ले जाना होता है, और इंटरप्रेस करने के लिए भी इसी फिंगर का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये फिंगर बहुत सारे बटन पर यूज हो रहा है, और जैसे ही अब क्या होगा, शिफ्ट के साथ टाइप करना होगा, तो आपको पता है कि शिफ्ट के साथ ही हिंदी का कुछ लेटर मिलेगा। तो शिफ्ट में लेफ्ट वाला अगर हम फिंगर यूज करेंगे तो राइट साइड प्रेस करके रखेंगे, और राइट वाला को लेटर टाइप करना है तो लेफ्ट वाला शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। तो जैसे अभी तो आपको पता है कि यहाँ से 1 से लेके 5 तक ये लेफ्ट हैंड का ये चार फिंगर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जैसे आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, जैसे ही शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 1 पर 1 पर चांद मिलेगा, ठीक है, ए पर चांद, ठीक है। जैसे ए होता है ना, जैसे एक लिखना होता तो ए लिखते हैं और इसके बाद उस पर जो है चांद होता है, ठीक है। और जैसे शिफ्ट के साथ आप फिर 2 टाइप करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको सिर्फ चांद, ठीक है। यानी शिफ्ट के साथ 1 टाइप किए तो ए पर चांद मिलेगा, शिफ्ट के साथ जब 2 प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपको चांद मिलेगा, ठीक है। और 3 में क्या होता है, जैसे कि आपका रॉ, जैसे शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे जिसमें मिलेगा रॉ, आप कैसा वाला रॉ है, तो जैसे आप प्रकाश लिखेंगे तो प में रॉ लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं रेप भी बोलते हैं, वो लगाना होगा, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ आप 3 टाइप करेंगे, ठीक है। क्या करना है, शिफ्ट के साथ 3, और जैसे शिफ्ट के साथ आप 4 टाइप करेंगे तो ये ऊपर वाला रॉ है, ऊपर वाला रॉ, जैसे कि सर्प लिखेंगे तो प के ऊपर में आप रॉ लगाते हैं, जैसे सर्फ में भी आता है, ठीक है, बर्फ में आता है, फॉ लिखने के बाद फॉ के ऊपर में रॉ लगाना होता है, तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ 4 टाइप करेंगे। और जैसे शिफ्ट के साथ 5 टाइप करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा ग्यौ, ठीक है, जैसे ज्ञान लिखना होगा तो शिफ्ट के साथ 5 टाइप कीजिए, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, ग्यौ। यानी क्या क्या हो गया, शिफ्ट के साथ जब 1 टाइप करेंगे तो ए पर चांद, शिफ्ट के साथ 2 टाइप कीजिएगा तो सिर्फ चांद, शिफ्ट के साथ 3 टाइप कीजिएगा तो इसमें रॉ, वो भी नीचे वाला प्रकाश में जो रॉ लगाते हैं, शिफ्ट के साथ जब 4 टाइप कीजिएगा तो इसमें ऊपर वाला रॉ, बर्फ में जो फॉ पर लगाते हैं, और शिफ्ट के साथ जैसे 5 टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा ग्यौ। ये तो था आपका लेफ्ट हैंड से। अब जैसे राइट हैंड से टाइप करना होगा तो पहले आप ये समझिए कि 09876 ये राइट हैंड से टाइप होना है, तो 0 में क्या मिलेगा, तो जैसे 0 टाइप करेंगे और 9 टाइप करेंगे तो 0 और 9 में ब्रैकेट है, 0 और 9 में आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा, और ब्रैकेट आपको दिखाई ऐसे भी दे रहा होगा, देखिए ये ओपन ब्रैकेट है और ये वाला क्लोज ब्रैकेट है, तो जैसे शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तो इसमें आपको क्लोज ब्रैकेट मिलेगा और इसमें आपको ओपन ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ क्या मिलेगा, इसमें क्लोज ब्रैकेट और इसमें ओपन ब्रैकेट, और एक्चुअल में दोनों दिखाई भी दे रहा है। और इसके अलावा जो तीसरा फिंगर है वो 8 पर लेके जाएंगे, यानी शिफ्ट के साथ जब 8 टाइप करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा स्र, जैसे अगर आप श्रीमान लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ 8 टाइप करें। इसके बाद आपका चौथा फिंगर 7 पर लेके जाएं, जैसे 7 पर जाएंगे तो 7 में एक्चुअल में होता है आपका 7 है, लेकिन शिफ्ट के साथ जैसे 7 टाइप करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा अक्ष, ठीक है। और इसके बाद शिफ्ट के साथ आप 6 टाइप करेंगे तो उसमें मिलेगा त्र, ठीक है। यानी इधर से क्या क्या मिला, तो आपका शिफ्ट के साथ जब आप 0 टाइप करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 9 टाइप करेंगे तो ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 8 टाइप करेंगे तो उसमें मिलेगा स्र, शिफ्ट के साथ 7 टाइप करेंगे उसमें मिलेगा अक्ष, और शिफ्ट के साथ 6 टाइप करेंगे तो मिलेगा त्र, ठीक है। और इधर से तो आप पढ़ चुके, तो ये 1 से लेकर 0 तक हुआ। अब इसके बाद क्या है कि आपका डैश है, इक्वल टू है और बैक स्लैश है, तो जैसे ही आप यहां से शिफ्ट के साथ डैश टाइप करेंगे, एक्चुअल में यहां से माइनस भी दिया जाता है, इसी से माइनस प्लस भी किया जाता है, लेकिन डैश भी है और इक्वल टू भी है, तो जैसे शिफ्ट के साथ आप डैश टाइप करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कॉलोन, कॉलोन का जो सिंबल होता है, जो अनुपात देते हैं ना आप लोग, वो कॉलोन होता है, वैसा सिंबल आना, तो शिफ्ट के साथ डैश टाइप करेंगे।
अब शिफ्ट के साथ जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे तो उसमें मिलेगा री, जैसे आप रीसी वगैरह लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ इक्वल टू में क्या मिलेगा, री, और शिफ्ट के साथ डैश देने से क्या होगा, कॉलोन। तो ये तो था आपका नंबर वाला रो, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेरिक रो भी कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने होम रो, टॉप रो, बॉटम रो और न्यूमेरिक रो के बारे में जाना। और इसके अलावा अगर नंबर टाइप करना है तो आप राइट साइड में भी नंबर आप देख पा रहे होंगे, जो कि ये आपका कैलकुलेटर की तरह नंबर एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। यानी अगर आप कैलकुलेटर टाइपिंग कर पाते हैं तो आप कीबोर्ड में भी ये कर पाएंगे। और ये एक्चुअल में न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, और ये तभी वर्क करेगा जब इसका नमलॉक, ये जो दिखाई दे रहा है नमलॉक बटन, ये ऑन होगा, यानी ये बल्ब जलेगा तो ये ऑन होगा, ऑन होगा तो ही आप ये नंबर टाइप कर सकते हो। तो स्पेशली नंबर टाइप करना हो तो न्यूमेरिक कीपैड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ टाइपिंग के दौरान नंबर जरूरत पड़ा तो आप ये वाले नंबर वाले रो का यूज करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने ये मंगल फोन पर चार रो कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावा हिंदी में और भी कुछ लेटर है जिसको शॉर्टकट की के जरिए लाना है, और शॉर्टकट की का ऑलरेडी आपका क्लास हो चुका है, वीडियो है, हम आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया, और आप जब याद कर लेंगे पूरी तरह तो आप बिना देखे टाइप कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।